राष्ट्रपति को तिमोन लिस्से का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को तिमोन लिस्से के दौरे पर पहुंची और इस दौरान उन्हें रामोस होर्ता से देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोन लिस्से से सम्मानित किया गया। उस दौरान की उस तस्वीर, उस अखबार की कटिंग को भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया, तिमोर लेस्ते नाम का यह सम्मान उन्हें दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और तिमोर लेस्ते लोकतंत्र और बहुलवाद के मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता और आधार पर मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। उन्होंने अपने समकक्ष जोश रामोस होर्ता के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक चर्चा भी की और साथ ही दिल्ली स्थित राष्ट्रपति इस दौरान भवन में उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया। और जब द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंची तो तिमोर लेस्ते का ये सर्वोच्च सम्मान उन्हें जारी किया गया। दरअसल ये एक नागरिक सम्मान होता है जिसके तहत ये द्रौपदी मुर्मू को जारी किया गया है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री को भी रूस की तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था और अब तिमोर लिस्ते नागरिक सम्मान से नवाजा गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। बिल्कुल देखिए, और द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान मिलना न केवल उनके लिए सम्मान है बल्कि भारत के लिए भी एक गर्व और सम्मान की बात है कि किसी दूसरे देश में आप जाते हैं और वहां जाने के बाद न केवल आपका स्वागत किया जाता है बल्कि आपको वहां पर सम्मान भी दिया जाता है और इसके जरिए भारत को और बढ़ावा बाकी देशों के साथ बेहतर संबंध करने का भी मिलता है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री ने केरल का दौरा